AN8008। ये मल्टीमीटर पूरे वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें 9999 काउंट वाला फीचर है और इसमें बहुत सारे फीचर आते हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। तो चलिए इस वीडियो में इस मल्टीमीटर का फुल अनबॉक्सिंग रिव्यू और फुल ट्यूटोरियल देने वाले हैं, इसको कैसे यूज करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हे आई एम सोमनाथ रचिंग सोम टिप्स। तो ये मल्टीमीटर अगर खरीदना है तो इसका बेस पर लिंक मैं एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ये 1200 से लेके 1500 के प्राइस में ये आसपास ही रहता है, और डॉलर में पूछो तो $17 से $20 के आसपास ही रहता है। बैंगगुट में मिलता है, अली एक्सप्रेस में मिलता है, फिर amazon.in पे ही मिलता है, लेकिन वो चाइना से ही आता है। तो प्राइस ऑलमोस्ट उसी 1200 to 1500 के आसपास ही रहेंगे। तो मैं बेस्ट बाई ऑल लिंक दे दूंगा, उसमें से आप खरीद सकते हैं जिसमें प्राइस बहुत सारा कम है आपके हिसाब से। तो चलिए इसमें देख लेते क्या क्या है। एक स्टार्ट गाइड है, क्विक स्टार्ट गाइड है, कितना वैल्यू तक ये रेंज आप मेजर कर सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है। उसके साथ साथ दो टेस्टिंग लीड्स तो आए हैं, उसके साथ साथ और एक एक्स्ट्रा दो लीड्स या वायर दिया है, उसके साथ साथ एलिगेटर क्लिप, टोटल 4 यानी कि 4 एलिगेटर क्लिप दिया है, और दो यानी कि ब्लैक और रेड दो वायर दिया है। ये सब टेस्टिंग प्रोब्स है, इसमें बहुत सारा टेस्टिंग प्रोब्स दिया है, इसमें एलिगेटर क्लिप से टेस्टिंग लीड से सब कुछ आप टेस्ट कर सकते हैं। आईसी चेक करना है तो इसमें आपको एलिगेटर क्लिप में लगा के आईसी चेक कर सकते हैं। तो सभी प्रकार जितने भी एक्सेसरीज चाहिए एक मल्टीमीटर के साथ सब कुछ इस बॉक्स में इस पैकिंग के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो यू शेप का जो कनेक्टर है वो भी है, उसके साथ साथ बनाना क्लिप जैसा भी है जो मल्टीमीटर के होल में आप दे सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एसेसरीज, टेस्टिंग लीड या असली टेस्टिंग लीड है, तो सब कुछ इस बॉक्स में आते हैं, आप बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेंगे। तो क्वालिटी एकदम टॉप नॉच नहीं बोलूँगी ये सब टेस्टिंग लीड का, लेकिन अच्छा क्वालिटी है, काम चल जाएंगे। इसमें 10 एम्पियर तक आप मेजर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका बॉक्स जो एसेसरीज मिलते थे। चलिए अब मूव करते मेन मल्टीमीटर में। इसमें कोई हार्ड बॉक्स केस नहीं आते, एक पाउच आते हैं, सनग्लास जैसा पाउच है वो उसके साथ ही आता है, और जो पैकिंग आते हैं एक पॉलीथीन पैकेट में आते हैं, तो ये अच्छे से पैकिंग नहीं किया है, तो इसीलिए सेलर को पैकिंग के मामले में बहुत ही कम रेटिंग मिलना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है। यहाँ पर 9999 काउंट से ट्रू आरएमएस है, और ये दो 1.5 वोल्ट ट्रिपल ए बैटरी पावर्ड है, तो इसमें आप रिचार्जेबल ट्रिपल ए बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं और एक वन टाइम यूज़ कर सकते हो। मैं ये रिकमेंड करूँगा आप ड्यूरासेल का बैटरी यूज़ कीजिए, तो बहुत दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को आपको निकालना होगा, फिर यहाँ पर देखिए ये जो दो बैटरी का पोर्शन है ओपन हो जाएंगे, इसमें आप बैटरी डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके अंदर अभी मैं दो पेंसिल बैटरी या फिर ट्रिपल बैटरी आपको डाल दिया हो, तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। तो इसमें ऑन करने के बाद 1 सेकेंड लगेंगे इसको फुल बूट करने के लिए, तो फिर उसके बाद देखिए इसमें सभी ऑप्शन काम करेंगे। हर्ज है, मिली वोल्ट है, वोल्टेज है, डायट कंटिन्यूटी है, और उस हिसाब से एम्पियर भी है, और एक स्क्वायर वेव आउटपुट है जिसमें 15 किलोहर्ट्ज़ तक स्क्वायर वेव आउटपुट मिलेंगे, इनपुट नहीं आउटपुट, मतलब इससे स्क्वायर वेव जनरेटर बोल सकते हैं। और जो ब्लू बटन है उसको कुछ देर होल्ड करने के बाद ये बैक लाइट जल जाएंगे, ये फ्लैश लाइट इसके अंदर नहीं है, सिर्फ इसके अंदर बैक लाइट है। चलिए फर्स्ट टेस्टिंग या ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट में चेक करूंगा डीसी वोल्टेज, तो मैं एक 4 वोल्ट का बैटरी लिया और डीसी वोल्टेज में चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 4.341 यानी कि एक पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ये काउंट कर रहे थे, बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा। और उस साइड आप देखिए पुराना जो मल्टीमीटर है उसमें 4.34 शो कर रहे हैं, तो इसमें 4.342 या 3.41 शो कर रहे हैं, तो रीडिंग दोनों में ही सेम आ रहा है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो अभी मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा, अभी मैं आपको एम्पियर टेस्ट करके दिखाऊंगा। एम्पियर टेस्ट करने के लिए बैटरी के साथ साथ सीरीज में इस मल्टीमीटर को मैंने कनेक्ट किया, वहाँ पर 4 वोल्ट का ही बैटरी है और एक मोटर को लगाया हूँ मैं डीसी मोटर। तो अभी मैं इसको एम्पियर मोड पे ऑन किया हूँ, और जो रेड वाला बटन है या फिर वायर है वो मैं सीरीज में लगा हूँ। तो इसके बाद ऑटोमेटिक मिली एम्पियर टू एम्पियर या फिर ऑटोमेटिक स्विच करेंगे, तो चलिए एम्पियर इसमें मैंने जब कनेक्ट करूँगा प्लस को, तो देखिए ये डीसी वोल्टेज का जो फैन है डीसी मोटर वो
काम करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर रीडिंग आ रहा है 160 170 mA, 160 170 mA ये अप डाउन कर रहा है। तो इसका जो लॉजिक है, अगर मैं इसको बाहर से फोर्स डालूंगा, अपोज करूंगा, तो इसके जो अगेंस्ट फोर्स है वो जनरेट होंगे। मतलब ये अगर मैं इसको घूमने के लिए अगेंस्ट फोर्स दे रहा हूँ तो ये फिर घूमने चाहेंगे इस मोटर, तो इसके लिए देखिए बहुत ज़्यादा करंट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, 2 एम्पेयर तक चला गया। जैसे ही मैं इसको छोड़ दिया 170 mA आ गया, लेकिन मैं अगर इसको अपोज फोर्स दे रहा हूँ तो फिर से ये देखिए मैं अब अपोज फोर्स दे के फैन को बंद कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 1 एम्पेयर क्रॉस कर गया, 2 एम्पेयर तक चला गया। तो आप यहाँ पर जान सकते कि अगर कोई फ़ैन को आप बंद करना कोशिश करेंगे तो ज़्यादा एम्पेयर यूज़ होंगे। तो मैं यहाँ पर मोटर इसीलिए यूज़ किया हूँ कि आपको मैं दिखा सकता हूँ मिली एम्पेयर 2 एम्पेयर ऑटोमेटिक स्विच हो रहा है। यहाँ पर मैनुअल भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। यही है मेन फैसिलिटी इस मल्टीमीटर का, कि इसमें ऑटोमेटिक तो होगा ही, अगर आप मैनुअल चाहते पुराना जो येलो कलर का मल्टीमीटर उसका भी आप यहाँ पर चेक कर सकते। चलिए मेन जो और एक फीचर है फ्रीक्वेंसी ड्यूटी साइकिल में चेक कर रहा, तो पुराना जो येलो कलर का मल्टीमीटर उसमें एक फ्रीक्वेंसी आउटपुट देता है जनरेटर, तो उसका हर्ज देखिए 61 हर्ज तक आउटपुट दे रहा है उस फ्रीक्वेंसी में, उसमें सिर्फ वन फ्रीक्वेंसी आते हैं, तो वहाँ पर 61 या 60 हर्ज आप बोल सकते हो उसका आउटपुट दे रहा है। तो अभी मैं इसको मेजर करने जा रहा हूँ ड्यूटी साइकिल, तो मैंने फिर से लगाया तो 61 हर्ज ही देखा रहा है। और येलो बटन या फिर शिफ्ट बटन साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसा है, अगर आपको प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन चेंज होके 52% ड्यूटी साइकिल से होकर, तो 50% बहुत ही अच्छा क्वालिटी बोल सकते हैं सिग्नल, तो 53 है, ठीक ठाक है उसके आसपास ही है। तो यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर जो येलो कलर का आइकॉन शो करता है इस बटन के ऊपर, वो येलो बटन प्रेस करने की जैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में होता है वैसे ही काम करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको डायोड कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस एक के बाद एक टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो देखिए कंटिन्यूटी का आवाज़ आप ध्यान से सुनिए कितना फास्ट है। आज तक मैंने बहुत मल्टीमीटर यूज़ किया लेकिन इतना फास्ट कंटिन्यूटी पहले नहीं मिला था। तो देखिए कंटिन्यूटी में एक भूल आउटपुट आ रहा है और रिस्पॉन्स भी बहुत फास्ट है, कनेक्ट करने के साथ साथ ही आवाज़ आ रहा है। अब मैं उसको रिवर्ब बटन प्रेस करके डायोड मोड कर दिया हूँ, तो डायोड मोड करने के बाद इसका आउटपुट वोल्टेज देखिए 3.29 आ रहा है, पहले 1 आ रहा था अभी 3.29 आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। और डायोड मोड में ही जो एलईडी है वो जलेंगे, कंटिन्यूटी मोड में एलईडी नहीं जलेंगे, लेकिन पुराना जो मल्टीमीटर वो एक ही साथ सब कुछ काम करता है। तो ये डिफरेंस है, आपको चेंज करना पड़ेगा डायोड टू कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी टू डायोड। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं रेड एलईडी को कनेक्ट किया हूँ और इसके साथ साथ ये जलने के बाद ये तो जलेगा ही, उसके साथ साथ डिस्प्ले में और एक चीज़ आएंगे, वोल्टेज ड्रॉप होकर कितना आ रहा है। अभी पैरेलल वोल्टेज है 1.7 1.8, विदाउट लोड यहाँ पर था 3.28, तो आप मेजर कर सकते हैं कितना वोल्टेज में ये डायोड चल सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सा फीचर है इस मल्टीमीटर के। तो डायोड टेस्ट भी काम कर लिया, तो मैंने अब रेड के, आपको पता है कि रेड या लाल एलईडी पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो अब मैं ग्रीन एलईडी ले आऊँ, तो ग्रीन एलईडी में अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो ग्रीन एलईडी जल रहा है और उसका वोल्टेज देखिए 2.6 हो गया है पैरेलल वोल्टेज, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है। तो यहाँ पर से अभी आप सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं इतना छोटा मल्टीमीटर से, इसका साइज भी बहुत छोटा है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक जो बजर होते बजर को टेस्ट करूंगा, तो एक साइड से आ रहा है 2.6 कुछ रीडिंग आ रहा है डायोड मोड पे, वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं, और एक 4007 सिंपल डायोड भी चेक करो, एक साइड में कुछ नहीं आ रहा है और दूसरे साइड में एक 0.58 बोल के रीडिंग आ रहा है। तो बजर चेक करना है तो कंटिन्यूटी पे कीजिए, और डायोड चेक करना है 407 तो उसको डायोड मोड पे ही कीजिए। तो देखिए एक साइड में कुछ नहीं आ रहा, एक साइड में कुछ रीडिंग। अभी मैं रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस पे देखिए 47K का जो रेजिस्टेंस मैंने उसको लगा, 48 यहाँ पर अप डाउन कर रहा है, तो ठीक ठाक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहा है, और एक रेजिस्टेंस मैंने लगा यहाँ पर 1K का लगा रहा हूँ, तो 1K का देखिए आप कितना एक्यूरेट है, 997 ओम शो कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा। जब ये 1 क्रॉस कर जाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 या 3 आएंगे, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। तो मैंने रेजिस्टेंस चेक कर लिया, तो इसके साथ साथ जो मैनुअल उसमें लिखा है कि कहते हैं मैनुअली भी इसको रेजिस्टेंस सब कुछ चेक कर सकते हैं, मैनुअल मोड भी होता है, ग्रीन बटन प्रेस करके मैनुअल मोड कर सकते हैं या फिर ऑटो रेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आप मैनुअल एक बार फॉलो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लिखा है डिटेल्स पर। चलो चलिए
और एक चीज़ जो RMS ट्रू RMS है AC वोल्टेज में चेक करना चाह रहा हूँ। तो AC वोल्टेज देखिए 223 वोल्ट और पॉइंट के बाद एक पॉइंट आ रहा है 223.5, तो बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा कि AC वोल्टेज में भी पॉइंट के बाद रीडिंग आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पुराना मल्टीमीटर उसमें भी 224 225 ऐसा शो कर रहा है, यहाँ पर भी 223 है। तो एक्यूरेसी के मामले में बहुत ही अच्छा ये मल्टीमीटर, इसमें 9999 काउंट तक रीडिंग आते हैं, तो ये AC वोल्टेज में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगली टेस्टिंग, ये बहुत ही वाइटल टेस्टिंग है, कैपेसिटर टेस्टिंग। कैपेसिटर टेस्टिंग से पहले दो लेग को आप शॉर्ट कर लीजिए, फुल डिस्चार्ज करने के बाद ही कैपेसिटेंस टेस्ट कीजिए, नहीं तो अच्छा रीडिंग नहीं आएंगे। तो मैंने इसका रीडिंग है एक्चुअल थियोरिटिकल वैल्यू 22 माइक्रोफैराड, 2200 माइक्रोफैराड। तो चलिए मैं इसको लगाए, थोड़ी देर आपको होल्ड करना पड़ेगा, जितना माइक्रोफैराड ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा होल्ड करना पड़ेंगे। तो एक होल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए 2.350 यानी कि 2347 आ रहा है, और थ्योरेटिकल वैल्यू था 2200, तो बहुत ही अच्छा है। और 1-2% तो इनएक्यूरेसी आएंगे डिजिटल पे, तो इसमें जो कैपेसिटेंस टेस्ट वो भी बहुत ही अच्छे से कम कर रहा है। देखिए मैंने फिर से उसको कनेक्ट किया, और फिर से वही अराउंड जो 2300 के आसपास जो माइक्रोफैराड रीडिंग है वही आ रहा है। तो मैं बोलूँगा कैपेसिटेंस टेस्ट भी इस मल्टीमीटर का बहुत ही अच्छे कम्पैक्ट मल्टीमीटर है, आप खरीद सकते हैं अगर आप बिगिनर हो या मिड रेंज यूजर हो खरीद सकते हो। तो चलिए और एक बड़ा वाला आप कैपेसिटेंस टेस्ट करते हैं, 454 68 माइक्रोफैराड, ये साइज में बहुत ही बड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कैपेसिटेंस टेस्ट आते हैं कि नहीं। तो मैक्सिमम 9.999 मेगाफैराड तक ये काउंट कर सकते हैं ये मल्टीमीटर। तो सब रीडिंग डिटेल्स मेजरमेंट स्टार्टिंग गाइड में जो मैनुअल दिया है उसमें सब कुछ लिखा है। तो देखिए कुछ देर होल्ड करने के बाद यहाँ पर शो कर 60 माइक्रोफेराड, 60 61 ऐसा शो करेंगे, और थ्योरेटिकल वैल्यू 68, तो ये थोड़ा सा कम है, हो सकता है कैपेसिटेंस में कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए और एक कैपेसिटेंस को मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो इसमें भी दो लेग को मैंने कनेक्ट किया, और यहाँ पर देखिए रीडिंग आ रहा है कितना, यहाँ पर रीडिंग आ रहा है 2.45 यानी कि ये 2500 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। तो 2448 यानी कि अराउंड 50 डिफरेंस है, तो चलिए ये सब ठीक ठाक है। तो इस 8008 के अंदर NCB टेस्टिंग नहीं है, तो मेरे पास डिजिटल टेस्टर है जो उसका प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ है, उससे मैं NCB टेस्ट कर सकता हूँ। अगर आपके पास ऐसे टेस्टर नहीं तो आप 8009 मॉडल पे मूव कर सकते हैं, वो $4 एक्स्ट्रा प्राइस होंगे, थोड़ा $4 एक्स्ट्रा दे दीजिए तो मिल जाएंगे। देखिए मैं इस 100 रुपीज़ टेस्टर से भी NCB कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं एक AC वायर जिसमें AC वोल्टेज जा रहा है जिस वायर से उसको टच किया, तो शॉक का तो ना रहा है, इसका मतलब इसके अंदर करंट जा रहा है, तो NCB कम कर रहा है। और इसके साथ साथ टेम्परेचर फरेनहाइट सेंटीग्रेड फरेनहाइट भी आते हैं 8009 इसमें नहीं है, 8008 के अंदर, तो इसीलिए मैंने नोड MCU के एज यूजल यहाँ पर इसमें टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ। तो ये दो फीचर 8009 के अंदर है, लेकिन 8009 के अंदर स्क्वायर वेव आउटपुट नहीं है, तो ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर देखिए दो फ्यूज़ है, छोटा छोटा फ्यूज़, उसके एक शंट है, और इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, एकदम टॉप नॉच नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो चलिए आप जाइए 2 गुना से भी ज़्यादा पैसा दीजिए और फ्लुक का मल्टीमीटर खरीद सकते हैं। तो इसमें क्वालिटी ठीक ठाक है, काम चल जाएंगे, चाइनीज बिल्ट है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं इन फ्यूचर आने वाला हूँ इस वीडियो इस चैनल पे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मल्टीमीटर आपको खरीदना है तो बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेंगे, उसमें से आप खरीद सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।